Have you ever seen a worm on neem leaf? क्या कभी आपने देखा है नीम के पत्ते में कीड़े का लगना या होना? तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो टहनी है, ये जो लेफ्ट साइड टहनी जैसे दिख रही है, वो टहनी नहीं बल्कि वो कीड़ा है। ये मैंने तब देखा जब मैं दातुन के लिए टहनी को तोड़ा तो मुझे ये दिखाई दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो नीम के पत्ते हैं उनसे कीड़े भागते हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हैं ये छोटी टहनी है, इसमें कीड़ा दिखाई दे रहा है आपको। ये जो है नीम के पत्ते को खाते हैं और इनका जो कलर होता है सेम टहनी जैसे ही होता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम कीड़े को इजीली हम पहचान सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि नीम के जो पत्ते हैं ये एंटीबायोटिक होते हैं। इन आयुर्वेदा नीम इज ए पॉपुलर मेडिसिनल हर्ब। इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड जैसे कि इनके तने हैं, पत्तियां हैं, बीज हैं, सभी औषधि का काम करते हैं। तो आजकल भी जो गांव के लोग होते हैं वो नीम के दातुन यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। नीम के दातुन करने से मुंह के जो समस्त रोग हैं इनका उपचार हो जाता है। और अगर हम नीम के पत्तियां का सेवन करते हैं तो जो पेट में कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो हम सभी ने देखा कि जो नीम के पत्तियां या फिर टहनियों में कीड़े हो सकते हैं, तो हम जब भी नीम का उपयोग करें तो हमें इसका खास ध्यान रखना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी हम नीम के प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ये हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो आप भी नीम का इस्तेमाल ज़रूर करें एंड वी हेल्दी एंड वी हैवी।